नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। आज आजमगढ़ जिले के जिला महिला अस्पताल में पुलवामा में हुए हमले में शहीद सैनिकों की याद में सामाजिक संगठनों द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें सामाजिक संगठन के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ब्लड बैंक के सुभाष पांडे ने कहा कि अगर कहीं भी हमारे देश के सैनिक घायल होते हैं तो उनको भी कभी ब्लड की कमी ना महसूस हो और किसी भी सैनिक का ब्लड के अभाव में मौत ना हो। इसको देखते हुए यहाँ के सामाजिक संगठन के लोग ने शपथ लिया। यहाँ ब्लड कैंप लगाया गया, क्या उद्देश्य इसका हुआ? आज जो है वो गोविंद दुबे के नेतृत्व में पुलवामा में जो हमारे शहीद आज के दिन हुए थे, उन्हीं के स्मृति में, उन्हीं के याददाश्त में ये जो है वो कैंप लगाया गया है। और इसमें जो है वो अभी तक जो 10 लोगों ने ब्लड डोनेशन किया और लगभग 50 से ज़्यादा जो है वो ब्लड डोनेशन की उम्मीद है, जिसमें कि युवा जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या सैनिकों के लिए? हाँ, उनके सम्मान के लिए। और ब्लड के अभाव में किसी की कोई जान खतरे में न रहे, इसको देखते हुए जो है ये आज का ब्लड डोनेशन करता है।